हेलो एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मेरे पास आया है हीरो कंपनी का FI बाइक ग्लैमर। और इस बाइक में हो क्या रहा है, जो बाइक का बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, बैटरी खोलने से बाइक बंद हो रहा है। और 3 दिन 4 दिन बैटरी चार्ज करने के बाद अगर बाइक चला रहे हैं, ऑटोमेटिक बैटरी डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो आज आप लोगों को बताऊँगा FI ग्लैमर बाइक, यानी कि अगर बैटरी समस्या होता है, बैटरी बैठ जाता है चार्ज करने के बाद, चेकअप करें, यानी कि बैटरी समस्या जो हम लोग का है वो ठीक हो जाएगा, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और हमारे चैनल पे पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं जो एक्चुअली इस बाइक को ठीक कैसे करें और इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो में आप लोग जुड़े रहिए। सबसे पहले हम लोग आर्मेचर कॉइल टेस्टिंग करेंगे, जो आर्मेचर कॉइल में हम लोगों को बराबर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। आर्मेचर कॉइल की कपलर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि 4 वायर, ब्लू में थोड़ा हम लोगों का पीला है और वाइट में थोड़ा पीला है। ये दोनों हम लोगों का पिकअप कॉइल की वायर है, जो क्रैंक पोजीशन सेंसर की। तो इसे हम लोग चेकअप नहीं करेंगे, हम लोग चेकअप करेंगे इस पार में जो हम लोगों का हरा कलर की वायर है और वाइट कलर की वायर है। ये दोनों वायर को हम लोगों को चेकअप करना है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, एक हमने लैम्प की मदद से एक एक करके वायर लगा, एक हरा कलर में एक वाइट कलर में। और हम लोग उपयोग करेंगे किक मारने का। किक मारिए, जाइए किक मारिए। तो गाइस यहाँ देखिए, लैम्प हम लोगों का बहुत ही कम जल रहा है, यानी कि अगर ये स्टार्ट भी हो जाएगा तो बाइक का हम लोग का जो एसी वोल्टेज है ठीक से नहीं दे पाएगा। तो यानी कि हम लोग का बहुत ही कम वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो चलो रीजन क्या है, हम लोग ओपन करेंगे मैग्नेट चैम्बर। यानी कि गाइस, अब हम लोग आर्मेचर कॉइल की टेस्टिंग करेंगे, जो आर्मेचर कॉइल हम लोग का सही है या खराब है। आर्मेचर कॉइल क्या हुआ है, एक पोल हम लोग का शॉर्ट हो चुकी है, इसका कारण ऐसा हो रहा है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो गाइस, यानी कि देखिए, ये पोल जो है हम लोग का शॉर्ट हो चुकी है, देखिए जल चुकी है। देखिए गाइस, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, इसका वायर एकदम जल चुकी है। इससे क्या हो रहा है, बॉडी के साथ संपर्क में आ रहा है बाइक स्टार्ट होने के बाद, और लाइन हम लोग का वोल्टेज क्लियर नहीं आ रहा है। देखिए, तो रीज़न ही है हम लोग को कॉइल बदलना पड़ेगा, क्योंकि 2 कॉइल हम लोग का ख़राब है, बाकी जो ये सब कॉइल है ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 कॉइल में भी बाइक चल जाएगा, बट बैटरी जो समस्या है थोड़ा रिकवर कम हो पाएगा और बैटरी ठीक से चार्ज नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को कॉइल प्लेट बदलना है, तभी हम लोग को काम बनेगा। तो चलो मार्केट से लाता हूँ, लाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली प्रूफ करके जो वोल्टेज हम लोग का क्लियर कैसे निकलेगा। तो गाइस, अभी हम लोग जैसे कि हीरो कंपनी का जेनुइन मुझे मिल गया है, और इसका पार्ट नंबर है देखिए 31120KTR941S। इसका कीमत है गाइस 800 रुपये, इसका कीमत है। तो चलो सेम प्रोडक्ट है, आप लोगों को दिखाता हूँ। यह हम लोग का जेनुइन ओरिजिनल एकदम प्रॉपर जो हम लोग का तांबे का तार होता है। अब इसको हम लोग लगाने से पहले एक चीज़ का उपयोग करेंगे, जो ये हम लोग का सेम पोल हो रहा है कि नहीं, यानी कि अगर इसका जो सेम है अगर छोटा हो जाएगा तो मैग्नेट के अंदर करंट नहीं पैदा कर पाएगा और बाइक में हम लोग का जैसे कि आर्मेचर कॉइल काम नहीं करेगा। तो लगाते वक्त ये चीज़ गौर कर लीजिए, ये हम लोग का सीधा है कि नहीं। और इसका पिकअप कॉइल में 2 वायर डायरेक्ट निकलता है, बॉडी का साथ कहीं संपर्क नहीं होता FI इंजन में। सिर्फ इस बाइक पे भी नहीं, फिलहाल BS6 बाइकों में आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग वायर डायरेक्ट निकलेगा। देखिए, तो चलो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को लगाने का उपयोग करें, ताकि हम लोगों को बराबर इसका पोजीशन ऑटोमेटिक मिल जाए। बस आसानी से लग जाएगा।
बस यानी कि फिटिंग हो चुकी है। चलो अब बाइक में हम लोग लगाएंगे। इसके अंदर सेल्फ का जो पिनियम है मैंने खोल के देखा नहीं था और ये टूटा हुआ है। देखिए इसमें एक हम लोग का पिनियम रहता है, सेल्फ काम नहीं करेगा इस बाइक में। यानी कि अब हम लोग चेकअप करेंगे इसका वोल्टेज। एकदम लैंप कितना तेज से जल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाइस किक का उपयोग करेगा, देखो देखो कितना तेज से आ रहा है, देखो मारो मारो मारो, देखो कितना तेज से आ रहा है। अब आप लोगों को पहले का दिखा रहा हूँ, जो पहले का कैसे वोल्टेज आ रहा था। तो गाइस आप लोगों ने देख रहा है जो पहले का है बहुत ही वोल्टेज कम आ रहा है आर्मेचर कॉइल से, यानी कि हम लोग का आर्मेचर वोल्टेज प्रॉपर नहीं दे पा रहा है। तो गाइस यानी कि आप लोगों ने देखा पहले जो हम लोग का किक था मार रहा था इस तरह से नहीं आ रहा था, सिर्फ फ्लेमिंग जल रहा था। यानी कि अब हम लोगों का ज़रूरत नहीं है, इससे हम लोग का बैटरी चार्ज भी सही देगा और काम करेगा। अब बैटरी चार्ज रिलेटिव जो सिस्टम है, अगर निकले और बैटरी चार्ज काम ना करे तो आप लोग क्या क्या चेक करें। सबसे पहले यहाँ आप लोग देखिए लैंप लगा के जो वोल्टेज हम लोग का क्लियर आ रहा है कि नहीं, यानी कि अभी हम लोगों का नया लगाने के बाद क्लियर आया और पहले नहीं आ रहा था तो हम लोग को ठीक करना पड़ा। अब हम लोग दूसरा स्टेप चेकअप करेंगे जो हम लोग का बाइक में बैटरी लगाने के बाद बैटरी खोलने पर बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, और बैटरी लगाने के बाद हम लोग चार्ज वोल्टेज चेकअप करेंगे 14.5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ। यानी कि गाइस अभी बाइक का बैटरी खोला हुआ है और बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो बाइक हम लोग का बैटरी खुला हुआ है बाइक स्टार्ट हो जाएगा, पहले आप लोगों को बताया था। चलो इग्निशन ऑन करते हैं। ऑन करते हैं। अब हम लोग का जो सिस्टम है, अब हम लोग चेकअप करेंगे जो बैटरी चार्ज बाइक में कितना दे रहा है। 14 के ऊपर वोल्ट आएगा तो भी हम लोग का समाधान होगा। तो यानी कि हम लोग चेकअप करेंगे, बैटरी को भी इंस्टॉल कर रहा है। बैटरी इंस्टॉल करने के बाद हम लोग वोल्टेज चेकअप करेंगे मल्टीमीटर से जो कितना वोल्टेज आना चाहिए और इस बाइक में कितना आ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग बैटरी इंस्टॉल कर दिया है, अब हम लोग बैटरी का वोल्टेज चेकअप करेंगे। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं पहले, और अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ प्रूव करके जो कितना वोल्टेज है। यानी कि बैटरी का वोल्टेज जो है 12.79 वोल्ट। तो चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस यहाँ देखिए, यानी कि 14 वोल्ट 40, 39, 38, 14.5 वोल्ट, 14 वोल्ट 30 पॉइंट, इस तरह से आने से हम लोगों को कोई समस्या नहीं है, बैटरी का चार्ज आसानी से हो जाएगा। यानी कि गाइस आप लोगों ने देखा ग्लैमर F5 बाइक में बैटरी चार्ज की सिस्टम ख़राब था, उसको ठीक करके दिखाया और एक्चुअली कैसे हम लोग ठीक करें उसे भी बताया। तो यानी कि मैकेनिक भाई जो है कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं और फट करके क्या करते हैं, बैटरी चार्ज लगा देते हैं। देखो बैटरी चार्ज तब लगाएंगे जो हम लोग का बाकी सब कुछ ठीक है तब लगाएंगे। बैटरी चार्जर लगाने से हम लोग का समस्या समाधान नहीं होगा, क्योंकि बैटरी चार्जर कभी कभी हम लोग का ख़राब नहीं होता है। यानी कि कस्टमर भी बोलता है बैटरी चार्ज नहीं होता है, बैटरी चार्जर लगा दो ठीक हो जाएगा। कोई मैकेनिक भी भाई चेकअप नहीं करते बैटरी चार्ज ख़राब हो सकता है, बैटरी चार्जर लगा तो ठीक हो जाएगा, फिर नहीं हो रहा है, फिर बाद में परेशान होता है। तो ये बाइक भी काफ़ी सारे मैकेनिक ने देखा था, देखने के बाद मेरे पास जब आया था तो कस्टमर ने भी बोला कि साजिर भाई बैटरी चार्जर लगाना पड़ेगा, चार्ज नहीं हो रहा है। तो यानी कि इस बाइक में बैटरी चार्ज का समस्या नहीं था, आर्मेचर कॉइल का समस्या था। तो हम लोग को आर्मेचर कॉइल को जाँच करना है, जो उसका एम्पियर कैसा आ रहा है, उसका वोल्टेज कैसा आ रहा है, तभी हम लोग आगे काम कर पाएंगे एक्चुअली और बाइक ठीक होगा। तो यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद F5 बाइक में अगर बैटरी चार्ज की समस्या हो तो आप लोगों का समस्या समाधान हो गया है। तो गाइस वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस यहां से हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक टेक्निकल के साथ।